तेरी तो यू ये ले। हे हे रुक रुक छोड़ छोड़। अरे वकील बाबू कहूँ? अरे सुपर केस आया है। अरे जेबा हमारा खाली है। अरे वो केस नहीं, कोर्ट केस है। कोर्ट केस है। हाँ चल चल। हमको छेड़ोगे? हमको छेड़ोगे? हाँ नहीं पापा, इसको छोड़ देंगे ना, फिर किसी को छेड़ेगा ये। हमें छेड़ोगे? नालायक। छोड़ दो भैया। अरे अरे भैया छोड़ दो। अरे हमारी कोई गलती नहीं है भैया। अरे हम कुछ नहीं किया। ये क्या कर रहे हो? अरे हटो। क्या बे, क्या हुआ? खुजली खत्म हो गई? वहाँ का देख रहा है? वहाँ का है यार। तुम अपनी शकल देखे हो का? अगर तुमको गर्लफ्रेंड ही बनाना है तो कहीं और जाकर ट्राई करो। हमरे एरिया से निकल जा। ए, उस गुंडे को काहे जाने दियो? अभी हम उसको पीट रहे थे ना। वही आ रहे हैं, तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। ये का है बे, खाली चड्डी पहन कर आ गई हो? हेलो, ये स्कर्ट है। तुम्हारे लिए स्कर्ट होगी बे, ये हमारे लिए तो चड्डी है। अरे खाली झिल्ली पहन के आ गई हो क्या? ये स्लीवलेस है। हाँ तुम्हारे लिए स्लीवलेस होगा बे, हमारे लिए तो झिल्ली ही है। नाभि को दिखाना, जांघ में टैटू करवाना, ये कोई फैशन शो या एग्जीबिशन है का? ए, माइंड योर बिजनेस। देखो मैडम, भगवान ने औरत को मर्द के लिए बनाया और मर्द को औरत के लिए बनाया। पूरा कपड़ा पहनने वाली सुरक्षित है, आधे कपड़े वाली खतरे में। अब तुम ऐसे कपड़े पहन के घूमोगी तो बुरी नजर वाले तो छेड़ेंगे ही। अब तुम पूरे दुनिया को दिखा के घूमोगी तो छेड़ने वाले तो छेड़ेंगे ही, भला कोई क्या कर सकता है? ये तो समझने वाली बात है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इस तरह तो कोर्ट में मैंने कभी बहस भी नहीं की रे। कोर्ट गया है क्या? क्या हुआ? ऐसे मत घूरो। अब तुम सुंदर सी साड़ी पहन के संस्कारी लड़की की तरह आओगी तो पूरी दुनिया आपको महालक्ष्मी समझ कर हाथ जोड़ेगी। अब आप समझ गई ना? हमको इस शहर में सब जानते हैं और तुमको भी जानते हैं। हमारी बेइज्जती हुई है, लेकिन तुम शांत रहो बेटी, जाने दो। क्या बोल रहे हैं पापा? हमें लगा आप नाश्ता करवाओगे, लेकिन आप तो डांट रहे हैं। क्या बात हुई? कोई हमारी बहन की बेइज्जती किया, उसको आप छोड़कर आ गए? अरे ये हमारी बिटिया है, बचपन से जो कपड़ा पहनी हमको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम कुछ कहेगा लेकिन लगता है बाहर वालों को पसंद नहीं। लेकिन बेटा एक बात तुमको बताऊं, उनका तरीका गलत हो सकता है लेकिन बात सही थी। हम है का? अच्छा तो ऑमलेट हो तुम? हम तो फुल बॉयल है। यहाँ एक शिवकाशी नाम का बेवकूफ रहता है, कहाँ है वो? शिवकाशी को बेवकूफ बोला? नहीं है क्या? वाह बड़ा दिमाग वाला है, जा बुला के लिया। शिवकाशी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ गुंडी आई है तुमसे मिलने। ए, चल। अरे अरे कहाँ लेके जा रही है हमको? अरे 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 अरे, 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 अरे यही 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 हम कह रहे थे आपको पहनने के लिए। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, एकदम जबरदस्त लग रही हैं। अच्छा ठीक है, इतने ज्यादा छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मेरी बहन की क्लास ली थी ना? हैं क्या कहा? हाँ मैं और मेरी बहन दोनों जुड़वा हैं, एक जैसे दिखते हैं दोनों। मेरा नाम देवी है और मेरी बहन का नाम है श्री देवी। श्री देवी सही कह रही हूँ।
मैं तो लोकल हूँ, बचपन से यही पढ़ाई की है। मैं कभी बाहर नहीं गई ना, इसलिए साड़ी पहनती हूँ। लेकिन दीदी ना फॉरेन में पढ़ाई की है, इसलिए उसका स्टाइल अलग है। और तुमने क्या कहा, लड़की अगर साड़ी पहने तो महालक्ष्मी लगेगी, लोग ऐसे हाथ जोड़ेंगे क्या? या, या, या। हाथ जोड़ो, ये मेरी दोस्त है, पहलवानी करती है, अपने पूरे गैंग के साथ यहाँ आई है। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। अब कहाँ सोच रहे हो? कोई बात नहीं, बॉलीवुड से हमारे सिस्टर भी आई है, उनको हाथ जोड़ोगे ना? बॉलीवुड का मतलब है ऐश्वर्या राय, प्रीति झिंगानिया, बिपाशा बसु, सब बॉय होंगे ना? आना। अरे हाय हाय। सैया जी, ये कहीं रास्ता है, देवी को हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो भैया। हाथ काहे जोड़े? नहीं तो हमारा लवर हमारा वेट कर रहा है ना। लवर है क्या? अरे हाँ, ये फूल हम अपने हाथ से थोड़े लगाए हैं। याने के? याने के? याने के? तुम्हारे लवर है ना? तुम लोग लवर हो का? अरे समझ लो, अगर हाथ नहीं जोड़ा तो देख लेना, खोल के दिखाएंगे, दिखाएंगे, दिखाएंगे। पार्क जाने का कोई जरूरत नहीं है, हम यही छुड़ा देते हैं अभी। रुको, दो साले, अब हम तुम लोग को 21 तोपों की सलामी देंगे। अरे तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन है, इस साड़ी में भी तुम एकदम चुड़ैल जैसी लग रही हो, पकड़ो बे। ए, हमारे और हमारे दीदी के बारे में कैसे पता चला? अरे ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ना ये तुम्हारी माँ समझ पाएगी ना तुम्हारे बाप समझ पाएंगे। हेलो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये शिवकाशी नटबोल्ट किस गाड़ी का है ये देख के बता देता है, तुम क्या चीज हो बे? लेकिन ये शिवकाशी के लुक ही अलग है। ए, यहाँ आओ, उसका स्टाइल दिखाओ। भैया जी, रजनीकांत वाला। निजाम कॉलेज का राजा किधर है? हमको नहीं मालूम। हाँ, राजू हम ही हैं। अच्छा, तू ही है। चल। अरे अरे, हमको छोड़ दीजिए मैडम। चल, सब चलो। हमको काहे काहे खींच, कहाँ ले जा रही हैं? चल नीचे। छोड़ छोड़। अरे रुके। अरे 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 शिवकाशी, अरे शिवकाशी। बोल। हाँ, कॉलेज में लड़कियों को लव लेटर देगा? हाँ, हाथ पैर तोड़ दूंगी तेरी। बोल, बोल। ए मैडम, ए तू यहाँ क्या चिल्ला रहा है? वकील कहाँ है बे? कहाँ मर गए थे? ओके, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हम जान सकते हैं हमारे क्लाइंट को काहे मार रही है? कमीना, कॉलेज में लड़कियों को लव लेटर देता रहता है। अब लड़की को नहीं देगा तो तुमको देगा का? ए, तुम लॉयर है, लॉयर की तरह बात करो। शट अप, तुम एसआई हो, एसआई की तरह बात करो। चुप रहो यार। तुम सच में लड़की को लेटर दिए हो क्या? हाँ भैया, दिए थे, 10 लड़कियों को दिए थे। फिर बोला, चल। रुको, अपनी सीमा पार मत करो। देखिए मैडम, हम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं, आप हाथ हटाइए अपना, हाथ हटाइए। काबे, तुम किसको लेटर दिए थे? कई लोगों को दिए थे भैया जी, लेकिन उसमें क्या क्या लिखा है प्लीज वो पता लगाइए। कंप्लेंट किस लड़की ने की है बे? देवी नाम की एक लड़की है। कहाँ मिलेगी वो? गर्ल्स कॉलेज में मिलेगी। हम वो देवी को लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारे दोस्त को अगर किसी ने हाथ लगाया तो तुमको जो लेटर दिया है ना वो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हम बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं, हम बहुत गरीब हैं। हमारी माँ खेती बाड़ी करके पैसे बेचती थी, लेकिन कुछ महीने पहले माँ की डेथ हो गई, अब हमारी पढ़ाई कैसे होगी? माँ के आत्मा की शांति के लिए आगे पढ़ो। हमको इंजीनियर बनना है, हम एग्जाम का फीस नहीं भर पाए, आप हमारी मदद करिए। आप हमारी मदद करेंगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी माँ वापिस आ गई है। आपके अंदर मुझे माँ दिखती है,
हमारा सपना इंजीनियर बनने का है, इसलिए आप लोगों को लेटर दिया। एक माँ की तरह आप लोग हमारी मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो। देखिए, वो तुम्हारी सुंदरता नहीं देख रहा था, तुम में माँ देख रहा था। लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, लड़की ने लड़के पे अगर कंप्लेंट कर दिया तो बिना पूछे आप उसको मारना शुरू कर देंगे? हाँ, अगर इसी तरह एक लड़की को मारे तो क्या होगा, सोचिए। जवाब दीजिए मैडम। चेन को गिरवी रख के तुम अपना फीस भर दो, चलते हैं। क्या सोच रहे हो? यह सोच रहे हैं कि कोर्ट में कैसा लगेगा। एक बात बोले, क्या तुम कोई केस जीते हो? सही कहा।